वेलकम एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। उम्मीद है आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अमेरिका में एक एक्ट है जिसका नाम है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर कैन नॉट रिफ्यूज टू हायर एनीवन ऑन बेस ऑफ डिसेबिलिटी। वो इनकार नहीं कर सकता डिसेबिलिटी के ब्याव पे, वो किसी किस्म की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो उसकी हाइट कम है, बिकॉज उसकी जो रेस है, नस्ल है, उसका मजहब है, या किसी वजह से भी अगर उसको एम्प्लॉयर हायर कर देता है तो वो यहाँ पे बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। जैसा कि इस वर्नर कंपनी को पड़ा जिसको 38 मिलियन डॉलर पे करने हैं। ये सिर्फ 38 मिलियन डॉलर का एक केस नहीं है, इस तरह के हजारों केसेस हैं जिसमें कंपनी को 100 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर। लोगों ने तो अमीर होने का तरीका इसको बनाया हुआ है। मैं आपको ना इस केस की ना तफसील बताता हूँ। मैं पहले आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ। मैं मोस्टली जब इस स्टूडियो में आऊँ तो ये मेरा स्टूडियो है, दिस इज माई डे कैप, इज माई स्टूडियो। मैं जब यहाँ पे आऊँ तो मुझसे वीडियो बन जाती है, अदरवाइज जो है ना वीडियो नहीं बनती। तो 2016 में ना बंदा जो है ना ये वर्नर कंपनी के पास गया काम करने के लिए, तो उसको जो है ना ऊंचा सुनाई देता था। तो उसने जो है उनको ट्रेनिंग भी ली 2016 में, लेकिन कंपनी ने फिर उसको हायर नहीं किया। उसकी वजह जो उसने उन कंपनी ने कह दी कि आप जो है ना सही तरह सुनते नहीं है, यहाँ पे घर लेने जाएं या कोई आपके पास घर लेने आए या कोई जॉब लेने आए या कोई बात है, आप जो है उसको सिर्फ इस वजह से इनकार नहीं कर सकते कि आप जो है आपका मजहब ये है, आपका कलर ये है, आप जो है ना हम आपको घर नहीं देते या आपको जॉब नहीं देते या आप सही तरह चल नहीं सकते, आप पतले हैं या आप मोटे हैं, इस बिहाफ पे उसको जो है ना इनकार नहीं कर सकते। ये एक जो ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट उसके खिलाफ है। अब ये बंदा जो है ना उनके पास गया, उन्होंने उसको जॉब दी नहीं, तो इसने इसको पता था कि यहाँ पे जो है ना केस कर दिया जाता है जिसको लॉ सूट बोलते हैं, और लॉ सूट आप विन कर जाएं तो फिर आप $1,000 या $1,00,000 का नहीं मिलियन डॉलर में केस किया जाता है यहाँ पे। इस वजह से वो फिर जो लोग है ना जरा एहतियात करते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो उसने जो है ना उसको हायर नहीं किया 2016 में, उसने ना 2016 में ना इनके खिलाफ, वर्नर कंपनी है इनके खिलाफ केस कर दिया। अब जब केस किया तो वो केस चलता रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, और अब जाके 2023 ये सितंबर के मंथ में वो जाके वो केस बंदा जीत गया है डेफ पर्सन, और उसको कंपनी ने उनको 38 मिलियन डॉलर कंपनी ने उसको पे करने हैं, और वो मिलियन डॉलर जो है उसको मिलियन बन गया। और यहाँ पे लोग जो है ना तरह तरह की चीजों पे केस करने का सोचते हैं, केस इसलिए करना चाहते हैं कि उनको पता है कि केस हम जीत के तो इससे हम अगले बंदे की हैसियत देखते हैं, अगर उसकी $1,00,000 की तो उसको मिलियन डॉलर का केस करेंगे, अगर हजारों में तो उसको लाखों का केस करेंगे, सो दैट दे विन। और अब 38 मिलियन डॉलर उसको जो है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको ना एक और वर्नर कंपनी की जो हालिया 100 मिलियन डॉलर है जिससे वो अनकरीब इज गोइंग टू बैंकक्रप्ट, मतलब बैंकक्रप्ट अगर नहीं भी होगी तो 100 मिलियन डॉलर है जो कंपनी को पे करने पड़ेंगे। वो केस इस तरह से है कि बंदा शिराज अली नाम है, शिराज अली ना वो चला रहा था, ट्रक चला रहा था वर्नर कंपनी का। ये भाई बैकअप कर रहे हैं, ये भी मैं दिखा दूं। तो वर्नर कंपनी का ना वो ट्रक चला रहे थे, जब वो ट्रक चला रहे थे तो वो अपने तौर पर वो ठीक जा रहे थे, वो अपनी लाइन में जा रहे थे, उनके सामने एक ना पिकअप जो होता है पिकअप डाला सा आ गया जिसमें फैमिली बैठी थी, गलती उसकी थी, वो अपनी लाइन में ट्रक चला रहे हैं, शिराज अली नाम है, वो अपनी लाइन में चला रहे हैं और आगे से पिकअप ने आके उसके सामने आ गया, और वो उसको सर्दियों के दिन थे, मेंटेन करना था, उसको हिट लगी अपनी लाइन में, उन्होंने ट्रक का बैलेंस ठीक रखा और जाके ना उस बंदे को लगा। अब जिसको लगा उस फैमिली में एक की तो डेथ हो गई, दूसरा जो है ना वो उसको काफी ज्यादा ना नुकसान हुआ। अब इन्होंने क्या किया, ये 2014 की बात है, 2014 के बाद फिर वो जो है ना 2015-16 वो केस चलता रहा, उन्होंने 100 मिलियन डॉलर का केस किया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये ट्रक है, ये कंपनी है, इसने हमें हिट किया है, इसके जो गाड़ी चला रहे थे उसका फॉल्ट है, हालांकि उसका फॉल्ट नहीं था। लो जी ये केस चलता रहा, और अब जाके सितंबर में जाके ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू विन, और 100 मिलियन डॉलर है जिसमें आप देखें वो शराज अली जो ड्राइवर है उसकी कोई मिस्टेक भी नहीं है, वो ट्रक को सही चला रहा था, अपनी लाइन में चला रहा था, और सामने से दूसरी गाड़ी की वजह से उसको हिट लगा। बट कंपनी जो है ना ये केस हारने जा रही है, और इन केस अगर उनको 100 मिलियन डॉलर कंपनी को पे करना पड़ता है तो
तो ये इतनी बड़ी हिट होगी कि जो है ना मुझे नहीं लगता कि बिजनेस भी सर्वाइव कर पाएगा, बेशक जितनी मर्जी। वर्नर एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, मैंने उस कंपनी के साथ तकरीबन 6 वीक काम किया था और कंपनी बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन रीजनल काम था, काम बड़ा मुश्किल था तो वो मैंने छोड़ दिया, लेकिन कंपनी बड़ी ज़बरदस्त है, ब्लू और वाइट कलर की उनके ट्रक है। तो मुझे नहीं लगता कि $100 million पे वो जो सर्वाइव कर पाएगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ बिजनेस है जिसमें जो है ना लोग केस कर देते हैं और सबूत लेके केस करते हैं ताकि वो केस जीत सकें। जैसा कि ना अब हज़ारों कहानियां मैं क्या क्या आपको जो है ना इसमें सुनाऊं, लेकिन अभी ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग थी ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए भी। और ट्रकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे छोटा कर रहे हैं चाहे बड़ा कर रहे हैं, अगर आपकी छोटी कंपनी है और आप जो है ना किसी को हायर, आपके पास एम्प्लॉयर आता है, जैसे कि एक कंपनी बनाई हुई है उस पर आप एम्प्लॉयर आता है, आपको वो इस वजह से कहीं पर कह देता है कि मैं आपको नहीं हायर करता क्योंकि आपकी ना हाइट छोटी है, आप बहुत मोटे हैं या आप बहुत पतले हैं या आपकी आई साइट बहुत वीक है, व्हाटएवर कोई भी रीज़न हो, वो तो मेडिकल पे चेक होता है ना, मेडिकल ने बताना है कि फिट है या नॉट फिट है, आपने नहीं कहना इस तरह से। मेडिकल की रिपोर्ट के बिहाफ पे आप जो है ना डिसाइड कर सकते हैं कि मेडिकल जॉब आता है, अगर बिलफर्ज आपको कोई पता भी चल गया तो उसको ये नहीं कह सकते कि हम आपको नहीं रखते कि आप जो है ना काले हैं या गोरे हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपने अपने पास वो रीज़न रखनी होती है ताकि वो केस ना कल को कर दें। और केस यहाँ पे लोग एक मिनट में करेंगे, आप जो है ना यहाँ पे लोगों से मिलेंगे ना तो वो कहेंगे हाय हेलो हेलो राइट हाउ आर यू, लेकिन उनको कोई अगर आपसे कोई शिकायत है आपके मुंह पे नहीं कहेंगे, ना गालियां देंगे, वो चुप करके केस करेंगे सबूत लेके, और वो केस इतना महंगा करेंगे कि कोई उसकी मिसाल नहीं है। अब यहाँ पे अक्सर कहते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं डॉक्टर को कुछ नहीं कहते, डॉक्टर जो है ना कुछ भी करते हैं, डॉक्टर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हॉस्पिटल में, व्हाटएवर। लोग कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो भी गया डॉक्टर से तो उनके खिलाफ केस नहीं करते, दवाई गलत देने से, ट्रीटमेंट गलत कर देने से, व्हाटएवर मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं, तो लोग उनको गाली नहीं देते ना कुछ कहते हैं, वो चुप करके सबूत लेते हैं और उनको $1 million का केस करते हैं। यहाँ पे कितने केस ऐसे हुए हैं जिसमें जो है ना वो कहते हैं कि हमें इनको बुरा भला कहेंगे या लड़ाई करेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम इन पे केस करेंगे, और केस में अगर वो जीत जाएंगे तो फिर पैसे लेंगे, पैसे की सारी गेम है। सो ये जो है ना $38 million बंदे ने जीता, और फिर जो $100 million वाला शिराज अली का केस है ये तो बहुत बड़ी हिट होने वाली है। और एक और भी केस है घर के वाले से, घर बंदा रेंट पे लेने गया, जैसा कि देखें अब बिलफर्ज मैंने घर जो है ना अपना रेंट पे देना है तो मैं किसी को इनकार नहीं कर सकता कि वो शराब पीता है, वो नशा करता है, हम जो है ना ये कह सकते हैं कि वो वेटिंग लिस्ट। अब वो बंदा रेंट पे लेने गया तो उसने जो है ना उसको देखा, जो भी उसकी नस्ल थी, उसने उस वजह से कहा कि मेरे पास जो है ना अपार्टमेंट नहीं, उसने रिकॉर्डिंग कर ली, जाके फोन होते हैं आजकल मोबाइल होते हैं, हम बात करते हैं, जाके रिकॉर्डिंग कर ली। फिर उसके बाद उसने ना केस बनाने के लिए ना दूसरे गोरे को भेजा, उसको पैसे पुसे दिए, उसको इस तरह से कहा कि ये अपार्टमेंट लेना और ये फलां डेट है, तुम जाओ इस तरह और ये रिकॉर्डिंग करनी है, वो उसमें पैसे की खातिर मान गया। वो गया तो उसको उन्होंने अपार्टमेंट दे दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप अपार्टमेंट ले लें। लो जी इसके पास अब सबूत आ गए दोनों, इसने केस किया और इसने भी $1 million का केस किया, और जो है ना इसमें वो जीत जाते हैं केस, जितनी अमाउंट हर जाना होती है, मेरा जो है ना ये डिस्क्रिमिनेशन जो एक्ट है इसके अगेंस्ट है। तो खैर वो जो अदालत है उसका भी ये मौकफ है कि आइंदा से कोई एम्प्लॉयर ऐसे ना करे किसी को भी जो है ना मजहब के ब्याह पे या फलां के ब्याह पे जो है ना जॉब से इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं एक चीज, जो लीकर वाली कंपनी है ना ये जो शराब को लेके जाती है, तो लीकर वाली जो कंपनी है ना यहाँ पे भी मेरे नाम के सर मोहम्मद आता है, सो मुझे कंपनी उससे अप्रोच किया, अब कहते हमने आपको हायर करना है, और मैंने जो है ना वो देख लिया उसका नाम, वो मुझे कहे आपको जो टाइम चाहिए वो कर लें, आपको जो शिफ्ट चाहिए वो $33 आपको पे करेंगे, जो आम जॉब से थोड़ी ज़्यादा थे एक्सपीरियंस ना हो तो। तो मैंने उसको चेक किया तो वो लिक्वर की थी, शराब जो है ना वो लेके जाते थे। अब यहाँ पे जो कंपनी है ना उन्होंने अगर फेडरल गवर्नमेंट से एड कोई लेनी है ना तो उनका ये कानून यह है कि आपके पास हर जो है ना मुख्तलिफ तबके के लोग, और ये नहीं कि आप सिर्फ अगर उर्दू स्पीकिंग है तो उन्हीं को रख लें, या मुसलमान है तो मुसलमानों को रख लें, हिंदू है तो सिर्फ हिंदुओं को रख लें, या सिख ईसाई हैं तो आप
आप जब तक मुख्तलिफ नस्लों को नहीं रखेंगे आपको जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं मिलेगी। वो फंडिंग लेने के लिए आपको रखना, वो इतने ज्यादा क्यूरियस थे क्योंकि मुझे पता चल गया था कि शराब की कंपनी है तो यहाँ पे शायद इनके पास मुस्लिम जो है ना इस शराब की ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम ना करता हो या कॉन्ट्रैक्ट ना ले। दैट्स वाई रीजन दे वॉन्ट टू हायर, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से इस बात की फंडिंग मिलती है और एक कोटा होता है जिसको फुल करना होता है। यही वजह है ये यूनाइटेड स्टेट कंट्री ऑफ इमिग्रेंट, इसमें तमाम दुनिया से लोग आए हुए एंड दे आर वर्किंग। सो ये बड़ा ही अजीब सा था वाकया, लेकिन इस तरह के वाकया से अदालतें भरी पड़ी हैं। और आपके भी इस तरह माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो लिखिए। वीडियो जरा लंबी हो रही है, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, सो आई एम थैंकफुल टू द फ्रेंड, या मेरे कुछ दोस्त देखते हैं जो कि वो फिर बता देते हैं कि भाई इसमें साउंड नहीं आ रही, या इसमें जो है ना एडिटिंग नहीं आई, इसमें आपने म्यूजिक बहुत ऊंचा कर दिया या ये कर दिया। मोस्टली मुझे लगता है कि वो मुझे ऐसे देखना चाहते हैं कि मैं फेस टू फेस बात करूं। सो आई एम थैंकफुल कि वो मुझे बता देते हैं, सो मैं उसमें करेक्ट कर लेता हूं कि मैं अकेला ही इसको मोस्टली कर रहा होता हूं वीडियो को अपलोड या जो एडिटिंग जो कुछ मैं कर सकूं। और जब मुझे पता चलता है कि भाई ये साहब भी देखते हैं, या बड़ी बड़ी जबरदस्त लोग देखते हैं सब्सक्राइबर्स में, तो जब मुझे पता चलता है कि ये मेरा ये वाला चैनल तो इतना ज्यादा व्यूज नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है, बट जब मुझे पता चलता है कि मेरे देखने वाले लोग जो कि मेरा टॉपिक बिजनेस का होता है, लाइफ का होता है, इमिग्रेशन का होता है, ये टॉपिक जो लोग देखते हैं वो बड़े स्पेशल है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई बच्चे ये सब भी देखते हैं वीडियो। सो जहाँ से भी देख रहे हैं, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश हो रब पूरा करें, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ हो उसको रब दूर करें। तो आप इसी तरह से अपनी सजेशन करेक्शन बताते रहा करें, और अगर कोई कमी रह जाए तो बताएगा भाई इसको ठीक कर लें, आवाज़ ऊंची कर लें, या आवाज़ को कम कर लें, या म्यूजिक को ऊंचा कर लें, तो इससे जो है ना बेहतरी होती रहेगी। तो मैं रिपोर्ट्स अपनी वीडियोस जो है ना बनाता रहूँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।